बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरबिया जदा से लाइव हूँ आप साथ में। भाई जदा में इस वक्त के हालात जो चल रहे हैं ना, मैं आपको आने वाले वक्त के मतलब यानी कि आने वाले वक्त मुराद ये नहीं है कि आज से 6 माह बाद 1 साल बाद की बात कर रहा हूँ मैं, अभी आपको टाइम भी बता देता हूँ। मैं खुद से जो मेरे भाई जदा में रहते हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर एग्री करेंगे। अगर आप दूसरी सिटी से यहाँ जदा में या न्यू वीज़ा के तौर पर आना चाहते हैं तो फिर भी आपको ये मेरे हिसाब से वीडियो देख लेनी चाहिए। जद्दा में इस वक्त के जो हालात चल रहे हैं, ये बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है इस चीज़ से, मैं इसको नीचे रख लेता हूँ, अभी बात कर लेते हैं। ये शूज़ है जी, मैंने अभी लिए है। बहरहाल अभी बात कर लेते हैं इस वक्त के हालात जो चल रहे हजरात हैं उनके लिए इस वक्त काम बिल्कुल स्लो है जी, हकीकत बात है। इस वक्त यानी कि हम बोल रहे हैं कि मार्केट बिल्कुल ठंडी है। अच्छा, लेबर से मुराद ये नहीं है कि जो शिरकों में कंपनी में किसी कफील के अंडर घरों में काम करते हैं वो, उनका तो चलता है भाई, उनका तो चलता रहेगा। सैलरी वगैरह के मुतलक आपको पता है जी क्या सूरत हाल होती है, फिर वो एक अलग से वीडियो है जी, वीडियो लंबी होती है कि यहाँ पर अगर हम वो बैस के ऊपर वो बैस छेड़ लें तो। बहरहाल जो आज़ाद बंदों के मुतलक बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर जो दिहाड़ी वगैरह का ये काम वगैरह करते हैं, जो मुअल्लम है, बहुत से मुअल्लम भी मैंने देखा है पिछले 10-10, 15-15 दिन से दिहाड़ी ढूंढ रहे हैं, और जो लेबर वाले हैं वो उनमें से बहुत से बंदे फ्री हैं जो भाई किसी के साथ पहले से अटैचमेंट थे यानी कि लगे हुए थे, उनकी चल रही है। बहरहाल बरा में भी अभी बरा से बरा रश से बरा होता है, आप यकीन करें, सुबह फजर टाइम के मनाजर मैंने देखे अपनी आंखों से, और सारा दिन बरा में आवाम बैठी रहती है, और आवाम पहले जितनी नहीं है, यानी कि पहले होता था 20 बंदे बैठे हुए, अभी 200-300 बंदा बैठा रहता है। क्यों भाई? काम अभी मार्केट ठंडी चल रही है, और ये होता है इन दिनों में, खासकर जैसा कि अभी मौसम चल रहा है जद्दा में, गर्मियों में काम धड़ाधड़ होता है जद्दा में। मैं जो बात आपके साथ शेयर करने वाला था वो ये है, जैसा कि आपको पता है बा मक्का वगैरह शरफिया वगैरह और कुछ और इलाके जद्दा के वो भाई मसमार यानी कि गिरा दिए गए हैं, उनको उनकी तोड़फोड़ जारी है। बिल्डिंग वगैरह आपको पता है गिरा दी गई है। अभी अजीजिया एंड फैसलिया एंड बनी माल के मुतलक भी खबरें गर्दश कर रखी हैं, मुख्तलिफ से मुराद ये है कुछ बोल रहे हैं 15 दिन, कुछ बोल रहे हैं अप्रैल, कुछ बोल रहे हैं मार्च, ठीक है। मैं इसके मतलब कोई भी किसी किस्म की खुद से आपको डेट देना ही नहीं चाहता, क्योंकि अभी इसके मतलब कोई भी किसी किस्म का कन्फर्म नहीं है। हाँ, फलां बोर्ड उन्होंने लोगों ने ये बोर्ड लगा दिया है, ये डेट कन्फर्म है, ऐसा कुछ मामला नहीं है। तो आने वाले वक्त में इससे मुराद ये है भाई कि जैसा कि अभी ये बा मक्का शरिया वगैरह बनाना शुरू करेंगे, ठेकेदार होंगे जी, ठेका लेंगे मुख्तलिफ किस्म की यानी कि दरवाज़ों का, टाइल का, पत्थर का, बिल्डिंग का, सरिए का, कारबा का, जितने भी काम होंगे सपाके वगैरह का और मोया वगैरह का, पानी वगैरह का, तो वो भाई उनको लेबर चाहिए। फिर उस टाइम जद्दा में मैं खुद से ये बात मानता हूँ अभी से ये 1 माह बाद या 2 माह बाद इस अराउंड में काम शुरू हो जाएगा इन इलाकों में, क्योंकि ये काम पीछे से जल्दी ख़त्म करेंगे, आगे तब ही बनी माल फैसलिया वगैरह या जीजिया वगैरह गिराना शुरू करेंगे। तो बहरहाल जद्दा का नक्शा बदल रहा है, ये तो कन्फर्म बात है। तो उस टाइम लेबर की ज़रूरत भाई बहुत पड़ेगी, और मुझे लगता है उस टाइम 150 यानी कि 150 रियाल यौमिया आम लेबर जाएगी, जो कि अभी 110 में भी जा रही है, वो उस टाइम 150 रियाल यौमिया के ऊपर भी काम करेगी। ये एक बेस्ट है जी मेरे हिसाब से, बेस्ट से मुराद मैं यही बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी तंगी है, लेकिन आने वाले 1-2 माह के अंदर भाई जद्दा में लेबर की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, ये कन्फर्म बात है।